अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ नाज़रीन इकराम, याद रखे हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, किस तरह से हम गुजार रहे बिता रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में या नाफरमानी में। अल्लाह फरमाता है वमन युति रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की। अब हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहे हैं या नाफरमानी कर रहे हैं। जिंदगी झूठ, बट्टेबाजी, दगाबाजी और ना जाने क्या कुछ नहीं कर रखती। और कहने को मुसलमान इस्लाही तौर पर हम गौर करें, अपनी जिंदगी पर रोशनी डालें, इस्लाह करने की कोशिश करें, तो यकीनन इंसाफ होगी। नहीं सिर्फ सुनने सुनाने तक अगर बात हो रही गई तो ख़त्म, वहीं तक महदूद होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने अंदर तब्दीली लाना चाहूं, तो फिर यकीनन इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली ला सकते हैं। अल्लाह ताला हम पर मुकरम का मामला फरमाए, इलाही हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।